जहां पर जो दल साथ में बैठे हैं उनके खिलाफ ही उन लोगों ने अपनी राजनीति करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तब तक क्या ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी? इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? क्या उस पे सबकी सहमति बनेगी? पिछले दिनों भी जब ये लोग बिहार भी आए थे तो उस वक्त भी कुछ मतभेद कुछ दलों के बीच देखने को मिले थे, बट बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये विपक्षी एकता इस तरीके से बरकरार रह पाती है या चुनाव आते आते तक धराशायी हो। नमस्कार, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं NBC 24। आज चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने विपक्षी एकता की बैठक पर जमकर निशाना साधा। वहीं उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो NDA में कब शामिल हो रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। भाई, इस पे कहना क्या है, विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल पहली बार थोड़ी गंभीरता जरूर विपक्षी एकता में देखने को मिली है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए सब साथ आते थे, पर इस बार जो बार बार इन लोगों की बैठक हो रही है, पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि इन बैठकों का कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए, स्वाभाविक है, एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है, पर साथ मिलकर और ख़ास तौर पर कई ऐसे राज्यों में साथ मिलकर चुनाव लड़ना जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ही जिनकी राजनीति हमेशा से रही है, राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर जो दल साथ में बैठे हैं उनके खिलाफ ही उन लोगों ने अपनी राजनीति करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तब तक क्या ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी? इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? क्या उस पे सबकी सहमति बनेगी? पिछले दिनों भी जब ये लोग बिहार भी आए थे तो उस वक्त भी कुछ मतभेद कुछ दलों के बीच देखने को मिले थे, बट बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये विपक्षी एकता इस तरीके से बरकरार रह पाती है या चुनाव आते आते तक धराशायी होती है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है, RJD और JDU इसका विरोध कर रही है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहां पर हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए मिली है। ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता, ये लॉ कमीशन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका ड्राफ्ट तो दें, जहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून परंपराएं हैं। आप एक ही धर्म में देखिएगा तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाके परंपराएं बदलती हैं और वो उन परंपराओं को मानते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही ले लें तो आप ऊपर नॉर्थ में अलग हैं, डाउन साउथ जाते जाते तक नॉर्थ में उसके नियम कायदे कानून अलग हैं, रिश्तेदार जनरेशन में आप नहीं कर सकते, डाउन साउथ जाते जाते अपने अंकल के साथ आप शादी ब्याह कर सकते, तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं। आप ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट की परंपराएं और हैं, साउथ की और हैं, नॉर्थ की और हैं। तो ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है? जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मैं मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना उचित है। 3 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है इस मामले पे। 3 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग है। दल का मार्ग NDA की तरफ चले गए, अब तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। अरे प्रभु, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बार बार इस बात को कहा, सही समय आने पर, आज चुनाव तो नहीं है ना भाई, ना ही कल चुनाव आ रहे हैं, ना ही कोई चुनाव की अधिसूचना अभी आई है, अभी समय है। और मैं निरंतरता में एक ही बात को मैं कहता रहा हूँ कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार पलटू है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर बार पाला बदलते हैं, लालू जी को कैसे सरकार हम चला सकते हैं? भाई ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता कितनी बार नीतीश कुमार जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में जब आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन बातों को रखा है तो वो सही बोल रहे हैं इस बात को लेकर।
नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। भाई दूसरे दल तो दूर की बात है, जिन्होंने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा हो, कोई भूल सकता है इन्होंने जॉर्ज साहब के साथ क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ क्या किया, या शरद यादव जी के साथ क्या किया, या इनकी अपनी पार्टी के नेता आरसीपी जी जो आज इनसे अलग हुए हैं उनको किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन को बदलने के लिए जिस नेता ने घटक दलों को धोखा देने का काम किया, तो ऐसे में उनको आईना ही दिखा रहे हैं मौजूदा गृह मंत्री जी। भाई हाजीपुर सीट पर तो कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है ना। हाजीपुर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे नेता के अधूरे कार्यों को, और ये किसी भी पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे। ऐसे में जब आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो हाजीपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि पुत्र होने के नाते मुझे निभानी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे, गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने तय नहीं किया है। तय कर जैसे ही करेंगे वो तमाम बातों को हम सब के सामने, मतलब मीडिया के सामने रखेंगे। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं।